बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। चांदनी वह है जिसे मौत के 3 दिन बाद भी अंतिम संस्कार में असर नहीं हो पाया। परिवार के अधिकांश सदस्य चांदनी को कोरोना की पुष्टि होने के कारण ट्रांसले में बने वार्ड में भर्ती हैं। आज भाजपा से जुड़े कुछ लोगों की जानकारी में आया तो उन्होंने पूर्व विधायक अमित अग्रवाल से बात की। पूर्व विधायक ने सीएमओ डॉक्टर राजकुमार से बात की और फिर डीएम से। पूर्व विधायक की बात सुनकर कि 3 दिन हो गए लेकिन चांदनी के शव का अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ है, डीएम अनिल ढींगरा भी चौंक गए। उन्होंने तुरंत अधीनस्थों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बता दें कि कोरोना एक ऐसी बीमारी के रूप में सामने आई है जिसने सगे संबंधियों को भी दूर कर दिया। बात सोशल डिस्टेंसिंग की जाती है लेकिन यहाँ तो फिजिकल डिस्टेंस इतनी अधिक हो गई है कि घर के सगे भी शव का अंतिम संस्कार करने से बच रहे हैं। हालांकि चांदनी का मामला दूसरा है। दरअसल कुछ समय पूर्व ही मेरठ जागृति विहार निवासी 17 वर्षीय चांदनी को कोरोना पॉजिटिव पाने पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। बीते 3 व 4 जून की रात उसकी मौत हो गई। इससे पहले उसके परिजनों को मवाना रोड स्थित ट्रांसलेम पब्लिक स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया था। वर्तमान में चांदनी की बड़ी बहन घर पर अकेली है। 3 दिन बाद भी शव का अंतिम संस्कार न होने पर भाजपा जागृति विहार के मंडल के प्रभारी रामकुमार चौबे ने यह जानकारी पूर्व विधायक अमित अग्रवाल को दी। पूर्व विधायक ने सीएमओ को बताया तो उन्होंने तुरंत ही मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से बात की। इस बीच पूर्व विधायक अमित अग्रवाल ने एडीएम सिटी अजय तिवारी को 2 बार फोन किया लेकिन हर बार गार्ड द्वारा यही बताया गया कि साहब फिलहाल बिजी हैं। इस पर पूर्व विधायक ने डीएम से बात की। अमित अग्रवाल ने फर्स्ट बाइट को बताया कि 3 दिन तक शव का अंतिम संस्कार न होने की बात पर डीएम ने स्वयं आश्चर्य दिखाया। साथ ही उन्होंने तुरंत कार्रवाई का आश्वासन पूर्व विधायक को दिया। पूर्व विधायक ने चांदनी की बड़ी बहन के लिए कुछ खाद्य सामग्री भी भिजवाई है। उधर भाजपा नेता राहुल ठाकुर ने चांदनी की बहन से मोबाइल पर बात की है। आइए सुनते हैं दोनों के बीच हुई बातचीत का ऑडियो। हेलो। हाँ बहन, नमस्कार। हाँ जी बहन, राहुल ठाकुर बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से, जागृति सेक्टर 6 से। जी जी। अभी आपकी बहन एक्सपायर हुई थी 4 तारीख में। बिल्कुल हुई है सर। ठीक है ना, तो अभी एक न्यूज चल रही थी कि उसको मतलब अजल मजल भी नहीं, मतलब उसको अभी बॉडी भी सुपुर्द नहीं करी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या परेशानी आ रही है बॉडी जो नहीं मिल रही है और क्यों उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ अभी तक? सर अंतिम संस्कार के लिए यही आ रहा है कि बॉडी को हमें हैंडओवर नहीं किया जा रहा है, बुला रहे हैं। किसको बुला रहे हैं? एम्बुलेंस कहते हैं कि एम्बुलेंस आ रही है 1 घंटे में आ रही है, 10 मिनट में आ रही है, 15 मिनट में आ रही है, लेकिन अभी तक कोई एम्बुलेंस, जब से वो एक्सपायर हुई है तब से अभी तक कोई एम्बुलेंस नहीं आई है हमारे पास। तो बहन मेरी बात सुनो, बॉडी की क्रियाक्रम कौन करेगा? बॉडी की क्रियाक्रम मेरे पापा करते, इस समय मैं करती क्योंकि मेरी फैमिली क्वारंटाइन है सब। तो बहन अंकल तो शायद बताते हैं कि क्वारंटाइन में है, तो आप करेंगे अजल मजल, वो सूरजकुंड पे ले जाएंगे डायरेक्ट ना? जी बिल्कुल। चलो अभी बात करता हूँ मैं एक जगह, क्या नाम है गुड़िया का? चांदनी। अच्छा ठीक है, तो ये मेरा बड़ी बात ये हाँ, बताओ बताओ अपनी पूरी बात बताओ, पूरी बात बताओ बहन। हाँ बताओ। सबसे बड़ी तो बात ये है कि कोरोना में उसको धकेला जा रहा है जबकि बच्चे की दिमागी हालत खराब थी, उसके दौरे आते थे मिर्गी के। ठीक। मिर्गी के दौरे से बच्चे की जान गई है। ठीक बहन। अब उसी की वजह से हम लोगों को भी कोरोना में धकेला जा रहा है, टेस्ट होगा, ये होगा, वो होना है, कुछ नहीं है। अच्छा। निगेटिव रिपोर्ट आई बच्चे की, निगेटिव रिपोर्ट हमें दिखा दी गई, मेरे पापा को दिखाई निगेटिव रिपोर्ट। किसकी नेगेटिव आई रिपोर्ट बहन? सिस्टर की, मेरी, चांदनी की। हाँ जी। वो नेगेटिव रिपोर्ट की फोटोकॉपी है बहन? सर यही दिक्कत हो गई कि उस समय दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, वो चीज नहीं है। अच्छा। बट एक डॉक्यूमेंटेड मेरे पास है, वो चाहे तो आप, मैं फोटो आपको सेंड कर सकती हूँ बहन, मुझे इसी नंबर पे इलाज चल रहा था। हाँ बहन, वो एक तो व्हाट्सएप कर दो, मेरा यही नंबर है बहन। ठीक है, मैं इसी नंबर पे आपको वो कर देती हूँ। ठीक है, और मतलब किस किस की नेगेटिव आई रिपोर्ट? सर अभी चेकअप होगा, अभी हुआ नहीं है, अभी इसके लिए भी घुमाया जा रहा है। नहीं, जो बहन एक्सपायर हुई है उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, उसकी फर्स्ट रिपोर्ट सर नेगेटिव आई थी, सेकंड रिपोर्ट 2 घंटे बाद ही उन्होंने डिक्लेयर ये कर दिया कि ये पॉजिटिव है। और पॉजिटिव वाली रिपोर्ट हमें लोगों को किसी को भी दिखाई नहीं गई है। और नेगेटिव दिखा दी थी? नेगेटिव रिपोर्ट इन्होंने हमें दिखा दी थी सर। अच्छा। पापा ने बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे पॉजिटिव रिपोर्ट दिखा दीजिए,
मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ इस चीज के बारे में। पापा ने सीनियर डॉक्टर को कॉल किया मेडिकल में, जिन डॉक्टर से चांदनी का इलाज चल रहा था कि इनसे एक बार बात कर लीजिए, उस डॉक्टर ने क्लियर ही मना कर दिया कि मैं बात नहीं करूँगा। कौन कौन से डॉक्टर से इलाज चल लिया था बहन? वो चीज मैं सर आपको अभी शेयर कर दूंगी एक चीज, मुझे डॉक्यूमेंट में देख के बताओ बहन, दिखा दो डॉक्यूमेंट में, पढ़ के बता दो एक बार, मैं लाइन पे ही हूँ। सर ये चीज अभी कुछ इस तरीके से क्लियर दे के कुछ लिखा हुआ हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे सिर्फ डॉक्टर का नाम पता चाहिए बहन बस। हाँ हाँ मैं वो चीज आपको फिर शेयर करूंगी बिल्कुल पूरी, जो भी है मेरे पास वो आप उसमें एक बार चेक कर लीजिएगा सर। ठीक है जी, बाकी बस हैंड ओवर, ये बॉडी के लिए थोड़ा दिक्कत हो रही है हम लोगों की बहन। मुझे एक बार ये क्लियर हो जाए ना कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा था, तो शायद मैं आपको शाम तक बॉडी उपलब्ध करवा दूं। अब वो आप देखो कि उसका अजल मजल कौन करेगा, अंकल क्वारंटाइन है तो वो कर ही नहीं सकते। जी वो लोग नहीं कर सकते हैं, मैं ही जाऊंगी, मैं ही इस चीज के लिए रुकी हुई थी सर कि मुझे यहाँ से, लेकिन मुझे बोला जा रहा है कल जो भी यहाँ पे हेल्थ टीम आई थी उन्होंने बोला कि आप एक बंदा यहाँ पे रुक सकता है, कॉल आएगी एम्बुलेंस आएगी आप वहाँ जाएंगी और एम्बुलेंस आपको यहाँ छोड़ के जाएंगी। ठीक है, मैं इसी समय यहीं बैठी हुई हूँ, अभी तक मुझे कोई एम्बुलेंस रिसीव नहीं हुई है। मेरे पास डॉक्टर की कॉल आ रही है डेड बॉडी के लिए, वो भी सिर्फ एक दूसरे पे टाल दे कि हम हेल्प नहीं कर सकते, हम हेल्प नहीं कर सकते। आपको किस डॉक्टर ने बहन फोन करा कि बॉडी के लिए ले जाओ? डॉक्टर पंकज, उन्होंने कहा कि आप बॉडी लेकर चले जाओ? हाँ जी। और बॉडी कब से आ रहा है ये फोन? ये फोन तो सर मेरे पास जब से उसकी डेथ हुई है परसों से ही, तीन में वो खत्म हो चुकी थी, तीन या चार में, तभी से मेरे पास कॉल आ रही है सर। ठीक है बहन, परेशान मत हो, मेरा यही नंबर है, मुझे व्हाट्सअप कर देना, और मेरा घर भी बहन यहीं पे है सेक्टर 6 मनसा देवी के पीछे। चलिए ठीक है सर, कुछ हेल्प यदि हो सके होगी, तो पूरी हेल्प होगी, चिंता मत करो। हम लोग तो बिल्कुल सर, कोरोना तो बंदा था ही नहीं, वो मिर्गी के गुस्से गया है और हम लोगों को जबरदस्ती इसमें धकेला जा रहा है कि ये लोग भी कोरोना पॉजिटिव। चल बहन परेशान मत हो, ये नंबर है, मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए कागज, और शायद अभी मैं एक भैया को नंबर दूंगा, वो भी आपसे बात करेंगे, और रही उसकी बॉडी की बात, वो अभी देखते हैं शाम तक उपलब्ध कराते हैं। हाँ बताओ बताओ, मेडिकल से इनको लोगों को बॉडी सौंप दी गई है। किनको? हम लोगों को। किससे क्या? कि मतलब न्यूज़पेपर में। हाँ न्यूज़पेपर में लोगों ने क्लियर करा मेडिकल वालों ने कि बॉडी सौंप दी गई है परिजनों को, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई बॉडी नहीं है सर। कौन से पेपर में? सर ये पेपर भी मैं आपको रिसीव कराती हूँ, मेरे पास सब फिक्स है। ठीक है बहन करो। जी सर ओके, थैंक यू। नाम जान जी, नाम जान राहुल ठाकुर बहन। पूर्व विधायक अमित अग्रवाल के बाद फर्स्ट बाइट द्वारा किए गए खुलासे पर जिला प्रशासन और बाकी मशीनरी हरकत में आई, और आनन फानन में ही चांदनी का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया उनके पिता की मौजूदगी में। इस ऑडियो में सरकारी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। बता दें कि भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल के PSO विभांशु के शव के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। चाचा व अन्य ने दिल्ली जाने में असमर्थता जता दी थी, जबकि मामा पक्ष को विभाग ने शव देने से इनकार कर दिया था। काफी जद्दोजहद के बाद ही विभांशु के शव का अंतिम संस्कार हो पाया था। मेरठ मेडिकल कॉलेज में ऐसे भी मामले सामने आए हैं, जब बेटे ने बाप के शव को लेने से इनकार करते हुए तत्कालीन प्राचार्य को स्वयं ही शव का अंतिम संस्कार करने के लिए कह दिया था। तत्कालीन प्राचार्य KK गुप्ता ने स्वयं इस बात की पुष्टि फर्स्ट बाइट से बातचीत के दौरान की थी। इस खबर में आज इतना ही है, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।